चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है स्वेज नहर संकट और वैश्विक व्यापार पर इसका प्रभाव। ये विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में स्वेज नहर के अंदर ट्रैफिक जाम लग गया था, जिसके बाद एकाएक ही सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। इस विषय के अंतर्गत ना केवल वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम बात करेंगे जो कि घटित हुई थी, बल्कि इसके इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और इसके महत्व के बारे में भी बात करेंगे। और जो विश्व में पहले भी स्वेज नहर से संबंधित संकट आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में एवरग्रीन नामक जहाज स्वेज नहर के पास नहर के बीचों बीच फंस गया था, जिसकी वजह से करीब शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर इसके किनारे पर ट्रैफिक जाम लग गया था। ये जिस तरीके से फंसा था तो दोनों तरफ से ही जहाज वहां से आवागमन नहीं कर पा रहे थे। मिस्र के स्वेज नहर में बड़ी संख्या में फंसे जहाजों से वैश्विक व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। व्यापार में कुछ हद तक इससे रुकावटें भी पैदा हो गई। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वैश्विक व्यापार पर इसका प्रभाव आखिर क्या पड़ा। जल मार्ग में अवरोध की वजह से गंतव्य तक सामान पहुंचने में देरी हुई और इसके साथ ही व्यापार में नकारात्मक स्थिति पैदा होने की आशंका बढ़ गई। कोविड महामारी की वजह से वैसे भी ये जो पोत परिवहन उद्योग है वो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। ऐसे में इस तरह से इस मार्ग में काफ़ी दिनों तक रुकावट आ जाना, 7 से 10 दिन तक वहाँ ट्रैफिक जाम का लग जाना व्यापार के लिए बहुत ही नकारात्मक सूचक भी है। एक मानव निर्मित जलमार्ग है ये और स्वेज नहर दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली जलमार्ग भी है, जिसमें दुनिया के व्यापार का 12% हिस्सेदारी है। और इस हिस्सेदारी के साथ अगर मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का ये कारण भी हो सकता है। ये जो जहाज था जापानी स्वामित्व वाला था और ये वहाँ से निकले, इसका इंतज़ार वहाँ लगभग 420 छोटे बड़े शिप कर रहे थे। जब मानव सहायता के बाद जब इस जहाज को वहाँ से निकाला गया, उसके बाद ये ट्रैफिक जाम हालांकि ठीक हो गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने एकाएक स्वेज नहर को पूरे विश्व में एक चर्चा का केंद्र बिंदु बना के रख दिया था। तो अब हम यहाँ पर ये ज़रूर देखेंगे कि स्वेज नहर का इतिहास आखिर क्या है, क्योंकि स्वेज नहर मानव निर्मित है। ये जो है दो सागरों के बीच में इसको काटकर बनाया गया है ताकि विश्व के अंदर व्यापार में जो दूरी है जलमार्गों की या जलयानों की वो कम हो सके। तो वो देख लेते हैं स्वेज नहर के बारे में। सबसे पहला जो विचार था नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग में आया था, उन्होंने सोचा था कि क्यों ना यहाँ पर एक नहर हो जिससे हमें यूरोप की तरफ से घूम के नहीं आना पड़ेगा, हम बीच में से भी आ सकते हैं। 1798 में उन्होंने मिस्र पर हमला किया था। इसके बाद में नेपोलियन ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर बनाने का सपना देखा था। इस काम के लिए उन्होंने सर्वेयर की एक टीम भी भेजी थी, लेकिन उस टीम का कैलकुलेशन सही नहीं था। उस टीम ने जो कैलकुलेट किया वो आंकड़े ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से नेपोलियन इस योजना पर काम नहीं कर पाए। इसके काफ़ी सालों बाद यानी कि दशकों बाद 1854 में फ्रांस के एक राजनायक थे जिनका नाम था फर्डिनांड डी लेसेप्स, इन्होंने स्वेज नहर योजना बनाई। स्वेज नहर योजना बनाने के बाद इन्होंने फ्रेंच सरकार से इसके लिए वित्तीय मदद ली और मिस्र में ऑटोमन साम्राज्य उस समय था, ऑटोमन साम्राज्य के वायसराय से भी इसकी परमिशन उन्होंने ली, जो कि इनको मिल गई। इसके बाद 1859 में उन्होंने स्वेज नहर कंपनी की स्थापना की। स्वेज नहर बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी, जिसकी सहायता इन्होंने मिस्र से ली। मिस्र की सरकार ने इसकी मदद भी की, उन्होंने बहुत कम कीमत पर बहुत सारी मात्रा में यानी कि बहुत बड़ी तादाद में मजदूर जो है उपलब्ध भी कराए। इस प्रकार जो है सरकार की मदद से कम पैसों में मजदूरी करने के लिए और हिंसा के डर से भी मजदूर तैयार हो गए और इस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। लाखों लाख मजदूरों ने इसमें काम किया और
कम पैसे और कम खाने और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से यहाँ मजदूर बीमार भी हो गए थे कोलरा नामक बीमारी से, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूरों की मौत भी इसमें हो गई थी। तो ये इसका इतिहास है, ये इतिहास है। और ये जिस तरीके से नहर बनाई गई थी, ये व्यापार के लिए आज तक भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि स्वेज नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। डेली बेसिस पे ये 30% वैश्विक कंटेनर जहाज का आवागमन यहाँ से होता है, यानी कि वैश्विक कंटेनर का जितना आवागमन पूरे डेली बेसिस पे पूरे विश्व में होता है, उसका 30% केवल ही स्वेज नहर से होता है। तो इसका महत्व इसी एक लाइन से ही हमें समझ में आ जाता है। स्वेज नहर का सबसे ज़्यादा महत्व उसकी लोकेशन की वजह से भी है। यही एक जगह है जो यूरोप के समुद्र को अरब सागर, हिंद महासागर और एशिया पैसिफिक के देशों से जोड़ती है। तो ये यूरोप को इन सारी जगहों से जोड़ने का काम करती है, इस वजह से भी इसका महत्व समझ में आता है। अगर स्वेज नहर ना हो तो जहाज़ों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की यात्रा करने के बाद इन सारी जगहों पर आना होगा, जो कि ये समय की बहुत बड़ी बचत करती है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ जाएगी अगर स्वेज नहर ना हो और अफ्रीका का चक्कर काटते हुए हिंद महासागर में आना पड़े या इन सारी जगहों पर आना पड़े, एशिया पैसिफिक या अरब सागर में आना पड़े, तो बहुत ज़्यादा लागत बढ़ जाएगी, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये समय और लागत दोनों को बचाता है, इस वजह से भी इसका महत्व हम समझ सकते हैं। स्वेज नहर पे जो ये अभी संकट आया था, ये तो अपने आप आया हुआ एक संकट था, राजनीतिक संकट नहीं था। इस संकट में तो मार्ग का बाधित होना एक अपने आप होने वाली घटना थी, लेकिन स्वेज नहर इतनी इम्पॉर्टेंट और ख़ास महत्व रखती है कि इससे संबंधित संकट पहले भी आ चुका है। तो स्वेज संकट के नाम से ये जाना जाता है। ये कब आया था? स्वेज नहर बनने के बाद ये संकट आया था, वर्चस्व का संकट था। वैसे ये स्वेज नहर 1956 में एक ऐसे संकट का केंद्र बिंदु बन गया था जिसकी वजह से मिस्र पर हमला भी हो गया था। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति थे गमाल अब्दुल नासिर, इन्होंने क्या किया, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। स्वेज नहर की कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटेन और फ्रेंच के थे, इस वजह से ब्रिटेन और फ्रेंच ने इसका विरोध किया, क्योंकि निर्माता भी तो यही लोग थे जिन्होंने मिस्र की सहायता से इसको बनाया था। और मिस्र इस पे अपना एकाधिकार इसलिए समझता था क्योंकि ये मिस्र की टेरिटरी के पास है और इनफैक्ट उन्हीं की टेरिटरी है। तो दोनों में क्लैश हो गया था। ऐसे में नासिर के राष्ट्रीयकरण के कदम से दोनों देशों के बीच में आपसी संबंध खराब हो गए थे। और इससे क्या हुआ था कि तेल और कंज्यूमर गुड्स की आवाजाही पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, आवाजाही पर भी एक तरह का संकट उत्पन्न हो गया था। इस संकट का असर ये हुआ था कि ब्रिटेन के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे एंथनी ईडन को इस्तीफा भी देना पड़ा था। और पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने किसी देश में पीस कीपिंग सेना भेजी थी। और 1957 में स्वेज संकट ख़त्म हो गया था। और ये संकट ख़त्म कैसे हुआ था, इस नहर को मिस्र के नियंत्रण में छोड़ दिया गया था। मिस्र के नियंत्रण में छोड़ने के बाद ये संकट अपने आप ख़त्म हो गया था। इसके साथ ही आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, स्वेज नहर की योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? विकल्प ए नेपोलियन बोनापार्ट, विकल्प बी फर्डिनांड डी लेसेप्स, विकल्प सी गमान अब्दुल नासिर और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो संबंधित था द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 से। इसमें पूछा गया था कि सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन केवल दो है। ये पहला जो कथन है वो गलत है। इसमें पहले कथन में अधिकतम सीमा जो है अबॉर्शन की वो 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते की गई है, वो भी विशेष परिस्थितियों में 20 से 24 तक की गई है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।